Hey everybody, welcome back. Okay. Hey everybody, welcome back to my channel. और आज हम लोग बात करने वाले एक नए प्रोडक्ट की जो मैंने यूज की है. इसका कोलैबोरेशन मेरे पास आया था एंड आई डिड द कोलैबोरेशन आफ्टर रिसर्चिंग कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं. काफ़ी अच्छी ब्रांड है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. हाउएवर मेक श्योर दैट यू डू द रिसर्च ऑफ योर ओन. बट मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगी जो मैंने इस चीज़ से सीखी. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन की CTM किट. दिस इज द वन. इसमें क्लेंजर है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है. बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को. इट्स वैसे अगर देखा जाए तो इट इज़ फॉर 990 rupees गाइस. एंड इट्स 300 मतलब काफ़ी चार चीज़ें हैं. अच्छा, टोनर भी, स्क्रब भी है. बेसिकली क्लेंजर, स्क्रब, टोनर एंड मसाज क्रीम. तो काफ़ी अच्छी है. फेशियली लगा लो. CTM किट तो क्यों ही बोलेंगे हम इसे, बट फेशियल किट लगा लो. और अच्छी क्वांटिटी में है. यू वॉन्ट टू बाई इट, गो फॉर इट. बट डोंट ओवर डू एनी स्किन केयर थिंग दैट यू डू. एकदम से रिजल्ट शो नहीं होते हैं. तो हमेशा से स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स गाइस. फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस क्लासिक क्लेंजर. क्लासिक क्लेंजर बहुत अच्छा क्लेंजर है. और इन सब की, इन तीनों, मतलब तीन चीज़ें हैं बेसिकली जो ट्यूब में है और एक रोज वाटर है विच इज़ इन द स्प्रे फॉर्म. तो ये तीनों बॉटल्स जो हैं, दीज थ्री आर फॉर 100 grams ईच, जिसमें एक है क्लेंजर, एक है स्क्रब, एक है हमारा आलमंड मसाज क्रीम. एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस स्टोन रोज वाटर. ये भी बहुत अच्छा है एंड दिस इज फॉर 100 ml. तो चारों चीज़ 100 उसकी होगी. पहली चीज़ हम लोग लेते हैं क्लेंजर. क्लेंजर बहुत अच्छा क्लेंजर है. काफ़ी अच्छा टेक्सचर है. अच्छा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. जैसे आप लोग सैलून वगैरह जाएंगे, पार्लर जाते हैं, वहाँ पर आपको स्मेल आ रही होती है ना फेशियल की और प्रोडक्ट्स की, उस टाइप की स्मेल है. बहुत अच्छी स्मेल है. बहुत अच्छे प्रोडक्ट है. इफेक्टिव है. ईजिली यूज़ कर सकते हो. आई डोंट थिंक कि कोई एसिड साइड इफेक्ट है इसका. बट स्टिल जब भी कोई प्रोडक्ट ट्राई करना है तो यू नो कि आपको हैंड पे ट्राई करना है, नॉट डायरेक्टली ऑन द फेस, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है. तो स्पेशली क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है अगर आप डायरेक्ट करोगे. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द क्लेंजर. और थोड़ा सा अमाउंट लेना है. फॉर 5 minutes यू हैव टू, नॉट फॉर 5 minutes, आई गेट 2-3 minutes इज मोर देन इनफ टू क्लेंज योर स्किन. और उसके बाद यू नीड टू ट्राई दिस स्क्रब. दिस इज वॉलनट स्क्रब. स्क्रब का हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्रब को कभी भी अपने फेस पे हार्शली मूव नहीं करना. यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद एनी प्रोडक्ट्स दैट यू यूज ऑन योर स्किन. तो नेवर ओवर डू इट इन द फॉर्मैट कि बहुत अच्छे से आपकी स्किन क्लेंज होगी. दैट वोंट हैपन एट ऑल. मेक श्योर दैट यू डू इट विद लाइट हैंड्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एवरी डैम टाइम. तो ये है विद ऑर्गेनिक एक्टिव्स इसमें इंक्लूडेड है. दिस हैज़ वॉलनट, एलोवेरा, टर्मेरिक. टर्मेरिक इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर स्किन. एलोवेरा अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट. वॉलनट इज़ फॉर टू रिमूव द डेड स्किन, क्योंकि इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बहुत ईजिली आपकी अपर लेयर, जो आउटर लेयर होती है, जो डर्ट की लेयर जम जाती है, उसको, डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ दिस क्लासिक रोज टोनर. बहुत अच्छी स्मेल है इस टोनर की. बहुत अच्छी स्मेल है गाइस. और बहुत काफ़ी, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. रियली इट्स रियली हाइड्रेटिंग. तो यू कैन यूज़ इट इन द रेगुलर आपका स्किन केयर में. अगर आपको अच्छा लगे, इफेक्ट शो हो, जस्ट ट्राई दिस स्किन केयर किट फॉर एटलीस्ट 2x and 3x. उसके बाद आपको मेजर रिजल्ट्स शो होने लगेंगे. लास्टली यू हैव टू यूज़ दिस ऑल पर्पज आलमंड मसाज क्रीम. दिस क्रीम इज़ फॉर इम्प्रूव्ड स्किन, न्यूट्रिशन एंड ग्लो. इसमें है आलमंड, एलोवेरा एंड वीट जर्म. वीट जर्म इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. और बाकी चीज़ें भी, मतलब सब कुछ ऐसा ही डाला हुआ है जो आपकी स्किन को हेल्दी करे, आपकी स्किन की डेड स्किन सेल निकाले और आपकी स्किन की जो नेचुरल ग्लो है उसको इंटैक्ट रखे. बहुत ये चीज़ें कभी भी आपको नेवर थिंक कि आपको आपकी स्किन कलर को चेंज कर देंगे. दैट वॉन्ट हैपन एवर. हमेशा आपकी जो डेड स्किन होगी, जो टैनिंग हो जाती है, जो पल्यूशन होता है, उन चीज़ों को ये चीज़ें बहुत ईजिली रिमूव कर देती है. और अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारी स्किन बहुत यंग और नेचुरली ग्लोई काफ़ी अच्छी रहती है. तो मेक श्योर दैट यू यूज़ दीज थिंग्स. ये आपको यूज़ इट फॉर 10 minutes, क्योंकि मसाज जितना अच्छा करोगे ना अपने फेस का, उतना अच्छा ग्लो आता है. इसके बाद यू कैन ऑल्सो ट्राई अ फेस पैक इफ़ यू वॉन्ट टू.
जस्ट फॉर अ नेचुरल ग्लो। इसके बाद ही कर सकते हो इसको वॉश करके, लाइक आपने पहले क्लेंजर यूज किया, देन यू यूज द वॉलेंट स्क्रब, सबको आपने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद रोज टोनर लगाया, देन यू यूज द ऑलमंड मसाज क्रीम, और उसके बाद अगर आप उसको वॉश करके फेस पैक लगाना चाहते हो, कोई भी फेस पैक दैट यू हैव फॉर अ ग्लो, मैं हमेशा ग्लो के लिए सजेस्ट करूंगी चंदन फेस पैक, बहुत अच्छा ग्लो आता है। ड्राई स्किन है, यूज इट विद मिल्क, और वो आपकी वैसी स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो यूज इट विद रोज वाटर, और कैसे भी कॉम्बिनेशन, ऑयली स्किन है, कोई भी स्किन है, तो यूज इट विद मिल्क, और नहीं नॉट विद मिल्क सॉरी, ऑयली स्किन है तो विद रोज वाटर, मिल्क सिर्फ ड्राई स्किन है तभी यूज करना है। तो यूज दैट फेस पैक, और उसके बाद आप उसको 15-20 मिनट्स के लिए रख के रिमूव कर सकते हैं। कोई भी फेस पैक यूज करो, मेक श्योर दैट यू यूज इट फॉर 15-20 मिनट्स एट लीस्ट टू लीव इट द गुड रिजल्ट, अदरवाइज कोई रिजल्ट शो नहीं होगा, 10 मिनट में हटा दोगे। तो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, वर्थ इट आई थिंक दिस CTM किट, वोंट से CTM, दिस ओवरऑल फेशियल किट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, वेरी गुड इन स्मेल, वेरी गुड रिजल्ट, ओजोन सिग्नेचर, ओजोन आयुर्वेदिक्स, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, एंड आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई हैव टू मेक अ रील फॉर देम जो मैंने बनाई थी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन कम टू माई इंस्टाग्राम पेज, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, और उसके अलावा दिस इज वेरी नॉन, मतलब एकदम नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मेरा खुद का मन था बिकॉज आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट टू यू गाइज एंड मेक श्योर कि आप लोग भी, इनकेस इफ यू वॉन्ट आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेशियल पैकेज, तो यू कैन बाय दिस वन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप शावरिंग योर गुड विशेज, एंड कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। Let me know if any kind of topic you have in mind which you want me to make a video upon. So, batana zarur in the comment section. Until then, keep loving and keep supporting. Bye-bye.